वेलकम बैक टू आवर चैनल। जो मेरे को पहले से जानते हैं, मेरा नाम अनुराग है। जो भी चैनल के साथ जुड़ रहे हैं और फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं, तो मैं कनाडा में रहता हूँ, एडमिंटन में। रिसेंटली रिलोकेट किया हूँ, पहले ऑन्टेरियो टोरंटो में रहता था। तो आप सब ये वीडियो तभी देख रहे होंगे जब आप इंटरेस्टेड होंगे कि हाउसिंग मार्केट एडमिंटन अल्बर्टा में कैसे चल रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग रिलोकेट कर रहे हैं वैंकूवर से, टोरंटो से, अल्बर्टा या कैलगरी, मतलब एडमिंटन विच इज़ द कैपिटल ऑफ अल्बर्टा। एडमिंटन या कैलगरी, मोस्टली लोग कैलगरी जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा सा ठीक होता है, वार्मर होता है एज़ कम्पेयर टू एडमिंटन। तो आज की वीडियो घर से रिलेटेड है कि आपको कितनी प्राइसिंग वगैरह मिलती है, तो वीडियो एंड तक देखना। मैं एंड में वीडियो के एंड में बताऊंगा कि प्राइसिंग इस हाउस की कितनी है। तो चलते हैं। ये घर वैसे साउथ वेस्ट एरिया में है एडमिंटन के। यहाँ पर ऐसे ऐसे ये कॉर्नर प्लॉट है, तो बड़े बड़े घर होते हैं और ये एरिया भी बड़ा है इस घर का एज कम्पेयर टू अदर्स। तो ये घर वैसे डिटैच्ड है और इसका स्क्वायर फुटेज एरिया टोटल है 1950 2000 स्क्वायर फुट से थोड़ा सा बस कम है। तो ये फर्स्ट एंटर करते ही हम लिविंग एरिया में आते हैं। ये सामने स्टेयर्स ऊपर के लिए जा रही हैं। तो इसमें वैसे 3 बेडरूम हैं और 3 वॉशरूम हैं। तो जो नीचे वाला वॉशरूम होता है, ये वाला, ये हाफ में आता है क्योंकि इसमें शॉवर नहीं होता, तो 2.5 वॉशरूम कह देते हैं। वैसे 2.5 बाथ जो आप देखोगे कि लिस्टिंग वगैरह में लगा हुआ होता है। ये एंट्रेंस जहाँ से हम अभी आए हैं, ये एंट्रेंस है और ये लिविंग एरिया हो गया जहाँ पर आप डेली बैठते हो, टीवी वगैरह देखते हो। ये डाइनिंग एरिया प्लस किचन हो गया, जो मोस्टली आप कनाडा के घर में ऐसे ही देखोगे, तो एडमिंटन का भी ऐसे ही है नॉर्मल। ये बाहर के लिए है रास्ता जो पीछे बैकयार्ड वगैरह के लिए है। इसका बैकयार्ड भी काफ़ी बड़ा है। जनरली हर घर में जो लेटेस्ट घर बनते हैं उसमें वर्लपूल की सारी एसेसरीज दी जाती हैं, इसमें भी वैसे ही है और ये घर के साथ हमेशा मिलेंगी। ये जो बाकी के आप देख रहे हो, ये अलग से आपने अगर बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो। ये डिशवॉशर है। ये एरिया आपका आ जाता है पैंट्री, जो साथ अटैच होती है मोस्ट ऑफ दी घरों में। डिपेंड करता है घर कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग पैंट्री का साइज होता है। ये यहाँ पर 2 डोर्स हैं, जो एक बेसमेंट के लिए जा रहा है, एक गैराज के लिए जा रहा है। तो मैं आपको गैराज पहले दिखा देता हूँ। गैराज भी इसका डबल डोर साइज गैराज है, जिसमें 2 गाड़ियाँ आराम से पार्क हो सकती हैं। ये आपका बेसमेंट में रास्ता जा रहा है। इसकी लाइट ऑन करता हूँ। इसकी बेसमेंट भी, मतलब यूजली ये होता है जितना ग्राउंड फ्लोर का ऊपर आपने एरिया देखा है, बेसमेंट का भी उतना ही होता है। तो मोस्टली जो नए घर होते हैं उसके अंदर अनफिनिश्ड फुल बेसमेंट होती है। अनफिनिश्ड का मतलब है कि इसके अंदर वॉल्स वगैरह ड्राई वॉल नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द लोग इसको फिनिश नहीं करवाते हैं। उसका रीज़न है, एक तो आपकी ज़रूरत पे, और अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप बनाओगे तो आपका प्रॉपर्टी टैक्स अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो अगर ज़रूरत नहीं है, रेंट पे नहीं डालना आपने उसको, तो फर्निश करवाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपके प्रॉपर्टी टैक्सेस पर एनम जो है वो अपने आप ही बढ़ जाएंगे। मैं इस हाउस का प्रॉपर्टी टैक्स भी आपको बताऊंगा कि कितना है वीडियो के एंड में प्राइस के साथ। और देर इज़ नो डाउट कि प्राइस बढ़ गए हैं लास्ट ईयर से एडमिंटन के भी और कैलगरी के भी, मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर रिलोकेट हो रहे हैं वैंकूवर से, टोरंटो से मेजरली, तो उसकी वजह से आपको यहाँ पर प्राइस इंक्रीज मिलेगा जो लास्ट ईयर था,
जहाँ पर लोग पहले से रहते हैं, अगर कोई फ्रेंड या रिलेटिव, उनको भी पता होगा कि प्राइस बढ़ गया है। तो अब हम ऊपर जा रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ है कि सिंगल फ्लाइट है और ऊपर आप सिंगल फ्लाइट में पहुंच गए। कई घरों में होता है मुड़ना वगैरह, दो फ्लाइट होती हैं। तो ये आपका आ जाता है एक मास्टर बेडरूम विद वॉकिंग क्लोजेट। जैसे आप यहाँ से एंटर करते हो, मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ, जैसे आप एंटर करते हो तो लेफ्ट साइड में आता है वॉकिंग क्लोजेट विच इज़ गुड साइज, और एक आपको यहाँ पर कबर्ड मिल जाती है। तो यहाँ पर आप रख सकते हो, क्योंकि ये कपल्स का है तो एक यहाँ पर बंदा रख सकता है और दूसरा दूसरी साइड वॉकिंग क्लोजेट। रूम का साइज काफ़ी बड़ा है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 11x14 फुट का है। और इसी के साथ आपको इन सूट 5 पीस मिल जाता है, क्योंकि इसके अंदर दो सिंक है, एक यहाँ पर स्टैंडिंग शॉवर है। अटैच टब और WC। तो ये सारा आपको इस अटैच के साथ मिल जाता है। तो ये कपल का बेसिकली होता है कि मास्टर बेडरूम में कपल्स वगैरह। एक ये सामने है इस घर में, ये एक चौथा एज अ बेडरूम के उससे यूज किया गया है, विच इज यूजली लाइक आपने देखा होगा बाकी घरों में भी कि एक पर्सनल लिविंग एरिया होता है जो ऊपर टीवी वगैरह लोग लगाते हैं। ये सामने वॉशिंग एरिया है, और जैसे आप एक आते हो तो एक और ये वॉशरूम है जो ऊपर है, जो दो रूम्स के साथ मतलब शेयर कर सकते हैं, फॉर टू रूम्स के साथ है। एक ये रूम है, ये वॉशिंग एरिया था, दूसरा रूम एक यहाँ पर है। ये भी ऑफिस के लिए ऐसा पर्पस के लिए यूज़ किया हुआ है। इसके अंदर भी क्लोज़ेट है और उसके अंदर भी क्लोज़ेट थी। ये भी ऑफिस एरिया यूज़ किया गया है। तो ये एक रूम हो गया, ये एक सामने रूम था, वहाँ पर ये मास्टर बेडरूम था, हम यहाँ नीचे से आए थे, और ये वाला भी एक जो लिविंग एरिया होता है उसको भी एक बेडरूम बनाया गया। तो यहाँ पर इस वाले ऊपर वाले फ्लोर पे 4 बेडरूम, तो ये 4 बेडरूम विद एक वॉशरूम वहाँ पर था मास्टर बेडरूम के साथ, एक वॉशरूम ये है और एक वॉशरूम नीचे था। तो अगर हम इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो ये लास्ट ईयर तक था 500,000, $5,00,000 का था, और ये इस ईयर अभी हार्डली 8 मंथ्स हुए हैं एंड फेब्रुअरी 2024, इसकी जो प्राइसिंग है वो इंक्रीज़ हो गई है। अब प्राइसिंग कैसे देखते हैं कि इंक्रीज़ हुई है कि नहीं हुई है? अगर आपके नेबरहुड में और कोई घर बिका है सेम एरिया के उससे स्क्वायर फुटेज के, जो 1950 है इसका, कह सकते हैं कि 2000 से नीचे नीचे 1900-2000 के आसपास का घर अगर नेबरहुड में बिका है, वो इतने का ही बिका है, तो इसके अपने आप ही इवेलुएट मतलब वैल्यू बढ़ जाती है। वैल्यूएशन की ऐसा ज़रूरत नहीं होती, वो रियल्टर आपको बता देता है। तो करंटली इस घर का प्राइस अभी 5,35,000 के आसपास का है। तो आस्किंग प्राइस ये होता है, बेचने में 535 का बिक जाए, 540 का बिक जाए, तो आप ये कह सकते हो कि 1 साल या 8 महीने में इसकी इंक्रीज़ हुआ है $40,000, तो विच इज़ क्वाइट मनी कि 1 साल में इतनी जल्दी इंक्रीज़ हो गया। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि मोस्ट ऑफ द पीपल एल्बर्टा आना चाहते हैं, जैसे आप देख रहे हो, आप देख रहे हो कि हाँ अफोर्डेबिलिटी है यहाँ पर घर की, नो डाउट यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी है, और लोग वैंकूवर या टोरंटो में अफोर्ड नहीं कर पाते, तो यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी है। आपको टोरंटो या वैंकूवर में 1900 या 2000 स्क्वायर फुट के एरिया में आपको घर इतना अच्छा अंडर 5.5 लाख 550,000 में नहीं मिल सकता, विच इज़ क्वाइट गुड। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन में नीचे आप पूछ सकते हो, मेरी जितनी भी नॉलेज होगी, जितना एक्सपीरियंस होएगा, मैं आपको उस क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। आई विल ट्राई टू हेल्प। अगर आप यहाँ पर रीलोकेट हो रहे हैं
या कोई नया घर लेने की सोच रहे हैं डायरेक्टली टोरंटो या वैंकूवर से, हाउ टू चेक विद द रियल्टर्स, आर दोज इंडियन रियल्टर्स यहाँ पर हैं, या डिफरेंट टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपके होते हैं, कोई भी क्वेरी आते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना फॉर मोर वीडियोज़। अगर ऐसे कुछ रिलेटेड आप देखना चाहते हो, कोई सजेस्टेड टॉपिक पे मैं बनाऊँ, वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।